30 डेज चैलेंज विथ मामा अर्थ गार्डन ऑफ ग्लो एसेंस सीरम विथ विटामिन सी एंड पैशन फ्रूट। सो ये क्लेम ऐसे करता है कि ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। ठीक है, तो ये तो इसका हुआ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 30 डेज़ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इस सीरम के साथ। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये 30 ml की इसमें क्वांटिटी है, और इसकी जो MRP है वो 599 है, बट तो अलग अलग साइट पे इसके अलग अलग ऑफर्स शो हो रहे होते हैं, तो आप वहाँ भी इसकी प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट थोड़ा सा मुझे ये प्राइस ही लगता है, ये मुझे लगता है सिर्फ। तो चलो अब मैं इसके आपको शेयर कर देती हूँ सारी चीज़ें कि ये मुझे कैसा फील हुआ है मैंने जब पूरा 1 month इसको यूज़ किया है। ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सो आपको एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करना है, आपका जो फेस है वो वेट होना चाहिए या फिर कोई आप टोनर लगाएं, उसके बाद अपने फेस पे इसको आप फिंगर की सिंपली हेल्प से मींस थोड़ा थोड़ा मसाज करके अपने चेहरे पे लगा लें। अब बात आती है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी है, और जैसे ही आप लगाते हैं आपको एकदम आपका फेस एकदम स्लिपरी लगने लगता है एंड ऐसे ग्लो कर रहा होता है जैसे कि अपने हाइलाइटर लगाया हुआ है। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत थी, बिकॉज 599 का है ये तो, बट एक महीने में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं, हाँ मिले इससे रिजल्ट्स, पर उतने नहीं मिले अच्छे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे एक छोटी सी बात भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सबकी स्किन अलग टाइप से रिएक्ट करती है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी स्किन पे उतना अच्छा वर्क ना करे, मे बी किसी और स्किन पे ये और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि स्किन टाइप पे इसका असर अलग अलग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।